पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर एक बहुआयामी हीरा भारत के नक्शे पर एक गहना जो एक मुकुट की तरह विराजमान है। गर्व से कहा जा सकता है कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो हमारे देश भारत में है और इसे स्वर्ग का दर्जा देने के पीछे कश्मीरी सेबों का बहुत बड़ा हाथ है। आइए कश्मीरी सेब की सुंदरता पर गौर करते हैं। कश्मीरी सेब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों और ऐसे फिटनेस प्रेमियों के मध्य सबसे अधिक लोकप्रिय एवं पसंदीदा फल है, जो स्वास्थ्य ही धन है के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते हैं। यह अद्भुत फल फास्टो न्यूट्रिएंट से भरपूर है, जो वास्तव में संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। सेब में पाए जाने वाले कुछ विशेष एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं जिनमें स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले और रोग निषेधक तत्व पाए जाते हैं, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि दिन में एक सेब खाएं और डॉक्टर को दूर रखें। सेब रोसेशिय परिवार के मध्यम आकार के एक पेड़ पर उगते हैं। सेब के पेड़ के बारे में माना जाता है कि यह कजाकिस्तान के पोषक तत्वों से भरपूर पहाड़ों से आया है। आज अमेरिका सहित दुनिया के बहुत से देशों में इसकी खेती एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल के रूप में की जा रही है। सेब के फल का आकार गोल या नाशपाती जैसा हो सकता है। इसका बाहरी छिलका अलग अलग रंगों का होता है, जो कि इसकी खेती की किस्म पर आधारित है। अंदर से इसका खस्ता और रसदार गूदा धूमिल सफेद से लेकर हल्के पीले रंग का हो सकता है, तथा इसका स्वाद हल्का मीठा और खट्टा होता है। इसके बीज स्वाद में कड़वे होते हैं और इसीलिए खाने लायक नहीं होते। यह था सेब के फल के बारे में कुछ वर्णन। अब हम इसके बढ़ने या विकास की प्रक्रिया के विषय में बात करेंगे। बढ़ने की प्रक्रिया। सेब को केवल ऊंचे क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, जहां तापमान काफी नीचे गिर जाता है, जो कि इस प्रकार का फल देने वाले पेड़ों के बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। अपनी रूखी मौसमी परिस्थितियों के अटूट ऐतिहासिक कीर्तिमान की वजह से आज तक कश्मीर की एक अलग पहचान है। सेब की बढ़ोतरी में सहायता और बेहतरी के लिए HPM इसकी संपूर्ण प्रक्रिया मुहैया करा रहा है। आइए फफूंद नाशी और इसके उपचार की प्रक्रिया पर गौर करते हैं। प्रथम चरण, सेब को मुख्य तौर पर कलम से कलम जोड़ने की विधि के द्वारा और टंग ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के द्वारा उगाया जाता है। स्प्रे के 10 से 14 दिनों के बाद, जब पौधों के सिरे हरे हो जाते हैं और इन पर मटर के दाने के आकार की गुलाबी रंग की कोपलें आ जाती हैं, इस वक्त एप्पल में स्कैब एंड स्लूटी ब्लॉच नामक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, तो इसे पौधों की रक्षा के लिए हिंदुस्तान M45 की 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी की मात्रा के इस्तेमाल से रोग रहित किया जा सकता है, और इसी अवस्था में 24 कैरेट की 2 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी का भी पहला छिड़काव करना चाहिए। दूसरा चरण वो स्टेज है जिसमें स्कैब नामक बीमारी पौधों को जकड़ सकती है, इसलिए पैंथर की 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी की मात्रा का इस्तेमाल इनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि हिमालय में स्थित कश्मीर घाटी सेब से भरपूर है। कश्मीर लंबे समय से भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य मौसमी क्षेत्रों के लिए मौसमी फलों की सामग्री को उगाने का स्रोत रहा है। तीसरा चरण, यदि हम वातावरण की बात करें तो हम पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का पड़ाव हर 10 लाख पर 280 से 360 भाग तक 30% तक बढ़ गया है, जिसके कारण सेबों को बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। और हाँ, HPM इन बीमारियों के इलाज में सहायता प्रदान करता आ रहा है। जब पेड़
गुलाबी कोपल की अवस्था तक या जिसे हम मटर के दाने के आकार की अवस्था कहते हैं पहुंचता है, तो यहाँ फिर से स्कैब या पपड़ी पड़ने की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, जिसे हम पैंथर गोल्ड की 50 ग्राम प्रति 100 लीटर की मात्रा और स्टफ की 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी की मात्रा, यहाँ 24 कैरेट की 2 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी का दूसरा छिड़काव करना है। चौथा चरण, जैसे जैसे सेब के बढ़ने के चरण आगे बढ़ते हैं, तो फल विकास दूसरा और फल विकास तीसरा चरण, इस चरण में भी स्कैब के लगने की संभावना बनी रहती है, तो इससे इसकी रक्षा के लिए सेवर का इस्तेमाल 30 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में और रोबोकॉप की 30 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी की मात्रा में किया जाता है, जो सेब को उसकी अगले चरण में सफलतापूर्वक पहुंचाने में मदद करता है। और इसी अवस्था में हमें जेड सेफ्टी की 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो ब्लैक रॉट पत्तियों में लगने से बचाता है। पांचवा चरण, बढ़ती हुई गर्मी के कारण हम पहले ही हिमालय क्षेत्रों में खेती संबंधी तौर तरीकों में प्रत्यक्ष बदलाव को देख रहे हैं, जहां हर कुछ वर्षों में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर पौधों पर और इसके फल के विकास पर पड़ता है। इसका हमला इन पड़ावों पर हो सकता है, पहला गुलाबी कोंपल पड़ाव, दूसरा चौथे स्प्रे के 10 से 14 दिनों के बाद, तीसरा जब अधिक पत्ते दिखाई देने लगे, चौथा आठवें स्प्रे के 12 से 18 दिनों के बाद। स्कैब और पपड़ी की बीमारी पौधों पर कई प्रकार से हमला कर सकती है, तो इस अवस्था से बचाने के लिए HPM का पैंथर 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में, हिंदुस्तान M45 की 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में और स्टफ की 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में करने से इससे रोग मुक्त किया जा सकता है। इस पड़ाव में हमें 24 कैरेट की 2 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी का तीसरा छिड़काव करना है, और इसी अवस्था में हम डॉन 3G की 100 ग्राम प्रति पेड़ का भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बूली एफिड नामक कीट से बचाता है। छठा चरण, इस प्रक्रिया में अगला पड़ाव है हरा सिरा या नो, मटर के दाने के आकार का पड़ाव, चौथे स्प्रे के 10 से 14 दिन बाद, यहाँ फिर से यूरोपियन रेड माइट और टू स्पॉटेड माइट का खतरा रहता है। इसके बचाव के लिए HPM माइट किल या सी गेट की 100 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में करने से इससे रोग मुक्त किया जा सकता है, ताकि ये अपने अगले चरण तक पहुंच सके, और ये यूरोपियन रेड माइट और टू स्पॉटेड माइट नामक कीटों से हमारा बचाव भी करते हैं। सातवां चरण, दूसरे स्प्रे के 12 से 15 दिन के बाद धीरे धीरे सेब अपनी पत्तियां गिरने के अगले पड़ाव पर पहुंच जाता है। तीसरे पड़ाव पर फल का विकास होने लगता है। यदि वर्षा के मौसम के कारण सातवां स्प्रे प्रभावित हो जाता है, तो इस पड़ाव पर स्कैब की बीमारी अलग अलग प्रकार से पौधे पर हमला कर सकती है। HPM ने एक उत्तम उत्पाद हिंदुस्तान जीराम की 45 से 50 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में, निदार की 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में और रोबोकॉप की 30 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी के इस्तेमाल से भी बीमारी से दूर रखते हैं। इसी पड़ाव में HPM का रोगोहित, जो हमारी स्टेम बोरर नामक कीट से भी रक्षा करता है। आठवां चरण, इस प्रक्रिया में अगला पड़ाव है हरा सिरा या नो, मटर के दाने के आकार का पड़ाव, चौथे स्प्रे के 10 से 14 दिन बाद, यहाँ फिर से स्कैब की बीमारी का खतरा रहता है। इसके बचाव के लिए HPM हिंदुस्तान जीराम की 45 से 50 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी का छिड़काव करने से रोग मुक्त किया जा सकता है।
नौवां चरण, सेब के बाग का एक उचित नक्शा होना जरूरी है। कहा जाता है कि सूखे मौसमी क्षेत्रों में उगाए गए फलों की गुणवत्ता आमतौर पर अच्छी होती है। इसी कारण से सेब का उत्पाद बहुत से आवश्यक पड़ावों से गुजरता है और अगला पड़ाव यह है फल के विकास का चौथा पड़ाव। जब सातवें स्प्रे के 12 से 18 दिनों के बाद 20% पत्ते नजर आने लगते हैं, इस पड़ाव पर पौधों को प्रभावित करने वाली मुख्य बीमारियां हैं स्कैब और ब्लैक रॉट यानी फल का काला पड़ना। इनकी रोकथाम के लिए HPM स्टफ की 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी का इस्तेमाल करने से यह ठीक हो सकता है। दसवां चरण, सूटी ब्लॉच या दाग की बीमारी फल के विकास के चौथे पड़ाव पर नौवें स्प्रे के समय हमला करती है। इससे रक्षा के लिए HPM हिंदुस्तान जिराम की 45 से 50 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करने से इसकी सुरक्षा की जा सकती है। तो ये वो 10 पड़ाव हैं जिसे पार करके सेब कश्मीर की वादियों से हिंदुस्तान के कोने कोने का सफर तय करते हैं, जिनमें से प्रमुख क्षेत्र जो सेब की खेती के लिए जाने जाते हैं वो हैं श्रीनगर, बड़गांव, पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला और कुपवाड़ा। इस सब के बाद हम यह कह सकते हैं कि सेब को पेड़ से निकालने के बाद 4 से 8 महीनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है, जिसका मतलब है कि यह दूसरे किसी भी फल से ज्यादा समय तक बचा रहता है। इसके पश्चात सेब को बगीचों से बाजार में पहुंचा दिया जाता है। इन सभी अवस्थाओं के बाद एक संपूर्ण अवस्था होती है जो फ्लावरिंग से पहले और फ्रूट सेटिंग तक की होती है। इस चरण में भी वूली एफिड का खतरा बना होता है, तो इसके लिए HPM का डॉन 3G का इस्तेमाल निरंतर तरीके से करना चाहिए। तो आखिरकार ये सारी अवस्थाओं, बीमारियों, कीटों से रख रखाव के बाद ही एक स्वस्थ सेब खाने को मिलता है, जिस काम के लिए HPM के शानदार प्रोडक्ट्स काफी असरदार हैं।